हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को इस मामा अर्थ हीना पेस्ट का रिव्यू भी दूंगी, लगाऊंगी भी। और काफ़ी महीनों बाद मैं अपना स्किन केयर एंड हेयर केयर फॉलो कर रही हूँ। स्किन केयर मैं ऑलमोस्ट करती रहती हूँ, बट नॉर्मली करती हूँ। बट आज मैं हेयर केयर कर रही हूँ, जो कि 4-5 महीने बाद मैं ऐसे मेहंदी लगा रही हूँ बालों पे। सो इस हद तक स्किन की हालत ऐसी हो गई है। वेल, मैं खुद ही थ्रेडिंग नहीं करने वाली हूँ, पार्लर जाके कराऊंगी। बट नॉर्मल स्किन केयर तो मैं कर ही सकती हूँ घर पे, क्लीनअप वाला जो होता है। फिलहाल मैं बालों पे लगा रही हूँ हीना पेस्ट। एंड मैं फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा हीना पेस्ट, ओके, जो रेडीमेड आपको मिल जाएगा। सो बालों को अच्छे से सुलझाना है, एक साथ रख के मत सुलझाना। बाल थोड़े सफ़ेद भी हो गए हैं, काफ़ी टाइम से हो गए, स्कूल के टाइम से ही, आई डोंट नो व्हाई। और मैं मेहंदी लगाती रहती हूँ, बट पिछले 4-5 महीनों से मैंने लगाया नहीं। फिर मैं लिप्स बहुत ड्राई हो रहे थे, तो मैंने ये बबल गम फ्लेवर वाला लिप सिरम ही लगा लिया, जो कि 1 घंटे तक ही हाइड्रेशन रखता है लिप्स पे, फिर जल्दी से सूख जाता है, बिकॉज इट्स अ सीरम नॉट मॉइस्चराइजर। बाल काफ़ी ज़्यादा रूखे, बेजान और फंसे हुए थे यार, क्या बताओ। मैं उसको सुलझा रही थी, और मोटे दांतों वाले कंघी लानी में यहाँ पे भूल गई थी स्टूडियो में। हीना को मैंने स्मेल करके देखा तो ओके, मेहंदी जैसा ही खुशबू आ रहा था, तो ढक्कन पे भी थोड़ा लगा हुआ था। इसके 2 पैकेट लिए मैंने, बट 1 पैकेट मैंने सोचा मैं लगा के देखती हूँ। 400 रुपीज़ में मिले मुझे 2 पैकेट, 400 से ज़्यादा में, और काफ़ी थिक पेस्ट था। सोचा पढ़ लूँ क्या लिखा है, कैसे यूज़ करना है। एक बार तो पढ़ ही चुकी थी, बट मैं ये चेक कर रही थी कि इसमें कुछ मिलाना है या नहीं, भूल गई थी मैं लिखा है या नहीं। फिर मैंने इसको ना पूरा स्क्वीज़ करके निकाल ही लिया, क्योंकि इसकी जितनी क्वांटिटी थी वो मेरे बालों के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जितनी मेहंदी अपने बालों में लगाती हूँ ना, ये उसका 1/4 भी नहीं है, क्योंकि मैं थिक पेस्ट लगाती हूँ। 1.5-2 महीने में एक बार लगाती हूँ, 3-4 घंटे लगा कर रखती हूँ, तो ऐसे में मैं बहुत सारी मेहंदी लगाती हूँ। बट इस बार मुझे 4-5 महीने हो चुके थे, सो सोचा इसमें कुछ मिला लूँ। बट फिर सोचा कि नहीं, मुझे इसका इफेक्ट देखना है, इसलिए सिर्फ इसी को लगाया। और एक ही पैकेट मैं लेकर आई थी, दोबारा मैं नीचे अपने रूम में जाती ना दूसरा पैकेट लेने के लिए, तो फिर मेरी बेबी मुझे ऊपर आने नहीं देती वापस से स्टूडियो में। तो मैंने हाथों पे पहले ऑयलिंग कर ली, ताकि मेरे हाथों पे ज़्यादा कलर ना आए। कलर तो आता ही है मेहंदी का, बट ज़्यादा ना आए, आसानी से निकल जाए इसलिए। फिर मैं डायरेक्टली इसको लगा रही थी, तो ये ना यार अंदर नहीं जा रहा था, मतलब मुझे ठंडा ठंडा सा नहीं लग रहा था, जैसे कि हम नॉर्मली मेहंदी लगाते हैं तो स्कैल्प में पड़ता है, तो ठंडा ठंडा सा लगता है, अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि पेस्ट थोड़ा थिक था। एंड इसमें लिखा है कि आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। आई वॉज वरिड कि दीवार में कुछ ना लग जाए दाग वाग, बिकॉज मैं यहाँ शूट करती हूँ, तो सब कुछ क्लीन होना चाहिए, बैकग्राउंड वगैरह। एंड उसके बाद मैंने छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेना शुरू किए, एंड फोकस किया मैं वहाँ पे इसको लगाऊं जहाँ पे मुझे कलर चाहिए, स्पेशली रूट्स पे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है एंड बाल ज़्यादा हैं। फेस पे भी लग जाएगा, इसलिए फेस पे भी मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मैं फेस केयर करने वाली थी इसके बाद। लगा के 3 घंटे रखने ही हैं, तो 3 घंटे में से 2 घंटे तो मैं सो जाऊंगी आराम से तकिए पे पॉलिथिन रख के, बट बाकी का 1 घंटा क्या करूंगी। सो इसलिए मैंने स्किन केयर वाला सोच लिया था। काफ़ी टाइम से क्लीन अप भी नहीं किया था, एक कंप्लीट क्लीन अप, तो वो मैं करना चाह रही थी। मेहंदी ना आसानी से फैल नहीं रही थी बालों पे। तो अगर आप ये हीना पेस्ट ट्राई करते हो, तो मैं इसका रिव्यू आपको बता दूँ। अगर आप हीना पेस्ट ट्राई करते हो तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना ही पड़ेगा। ऑल दो पैकेट में लिखा है कि आपको कुछ भी नहीं मिलाना, तो आप इसमें कुछ मिला भी सकते हो, नहीं भी मिला सकते हो, ऐसी सिचुएशन है। तो आप चाहो तो एलोवेरा जेल मिला लो, राइस वाटर मिला लो, अनियन जूस मिला लो, कोकोनट ऑयल मिला लो, बहुत सारी चीज़ें जो हम बालों में लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें मिला लो। मुझे इसका 100% इफेक्ट देखना था कि ये कैसा है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब मेरे बालों पे पूरा लगा नहीं, और आप देख सकते हो कटोरा पूरा खाली हो गया है। सो व्हाट शुड आई डू। मैंने इतने ही जितने बालों पे लगा था उतने ही बालों को बांध लिया। अगर क्वांटिटी अच्छी खासी होती ना, तो मुझे किसी क्लिप क्लचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बालों को बांधने के लिए। बाल आसानी से मेरा हेयर बन बन जाता। और इसके लिए मैंने एक पुरानी टी शर्ट, जो है ये मेरी टी शर्ट है जो मैं हमेशा रखती हूँ, कलर भी इसका हिना जैसा ही है, तो पहले मैं इसको पहनती थी, बट जब भी पुराना हो गया तो अब मैंने इसको इसीलिए रख दिया कि जब भी मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी या कोई भी हेयर मास्क लगाऊंगी, तो मैं ये टी शर्ट कैरी करती हूँ। तो
दिस इज माई गो टू हेयर मास्क वाला टी शर्ट। फिर मैंने ये शावर कैप से इसको पैक कर लिया, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो मैं बालों को पैक कर लेती हूँ ताकि सूखे नहीं, बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं ना तो हेयर वॉश करने में दिक्कत होती। तो ऑल दो क्वान्टिटी इज़ रियली लेस, क्योंकि इतनी क्वान्टिटी में आप हिना पाउडर में बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हो, मैस भी बहुत होता है, और वैसे ये मैस किसी भी हिना से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मामा अर्थ की हिना से हुआ है, नॉर्मल पाउडर से भी होता है। कलर तो अच्छा खासा आ गया है, तो आई कैन से कि बालों पे भी अच्छा खासा कलर आएगा, एंड कलर आया था। अब मैं कर रही हूँ फेस केयर। वेल, मैं कलर के बाद वाला जो है वो शूट नहीं कर पाई थी, शूट किया था मैंने बट फ़ोन मैंने चेंज किया तो कुछ क्लिप्स जो हैं डिलीट हो गए। सो मैं आपको ओरली बता सकती हूँ, कलर आया था बालों पे मेहंदी वाला ही कलर आया था, थोड़ा येलो ऑरेंज टाइप का कलर, बट क्वांटिटी बहुत कम है, आपको इसमें अलग से मिलाना पड़ेगा कुछ, और अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप एक पैकेट से आपका काम चल सकता है। स्क्रब कर रही हूँ मैं, स्क्रब अंडर आई एरिया पे बिल्कुल नहीं लगाना, एंड दिस इज़ माय फेवरेट स्क्रब फ्रॉम ओरी फ्लेम का शुगर एंड हनी, मिल्क एंड हनी स्क्रब, शुगर मिल्क एंड हनी तीनों इसमें, बहुत ही अमेजिंग स्क्रब है। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पर, बहुत अमेजिंग स्क्रब है, और मैं वैसे हफ्ते में एक बार स्क्रब करती हूँ, एक से दो बार, बट अच्छे से स्क्रब नहीं करती हूँ, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला स्क्रब करती हूँ मैं हफ्ते में दो बार जब करती हूँ तो, शावर लेते टाइम पे एक मिनट भी ठीक से नहीं हो पाता है, बट नोज़ के पास मुझे मेनली स्क्रब करना होता है तो वो मैं करती हूँ, बट यहाँ पे मैं काफ़ी महीनों बाद इस तरीके से फुल क्लीन अप कर रही हूँ, इसलिए मैं अच्छे से कर रही हूँ। ये इतना बारीक इतना अमेजिंग है ना कि मैं इससे लिप स्क्रब भी कर लेती हूँ, वॉश करके आ जाती हूँ। वेल यार, बाथरूम में ट्राईपॉड लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जगह भी नहीं है, एंड पहले मैंने सोचा था कि मैं शीट मास्क लगाऊंगी, बट मेहंदी जो है वो थोड़ा सा आ रहा था चेहरे पे, इसलिए मैंने नहीं लगाया। फिर मैंने सोचा ये दोनों मास्क में से एक चीज़ लगा लेती हूँ, तो मैंने ये पील ऑफ मास्क लगाया, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल फेस मास्क लगाऊंगी तो फेस को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मेहंदी मुझे 3 घंटे तक कैरी करके रखना है। मैं हमेशा 2 से 2.5 से 3 घंटे कैरी करती ही हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैंने क्लचर लगा के बालों को बांधा था तो मुझे हेडेक होने लग गया था, बाल काफ़ी ज़्यादा हैवी लगने लग गए थे, इसलिए मुझे 2 घंटे से पहले ही इसको वॉश करना पड़ा, इंस्टेड इसमें कलर काफ़ी अच्छा आ गया था। काफ़ी थिक लेयर लगाया था मैंने इस पील ऑफ मास्क का, एवर यूथ पील ऑफ मास्क, सिस्टर की शादी के टाइम पे लिया था पैकेट, क्योंकि चेहरे पे हल्दी लगी होती है ना जब हम हल्दी खेलते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है, अब रखे रखे एक्सपायर हो जाएगा यार, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस पील ऑफ मास्क, पहले मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी बट स्किन थोड़ी सेंसिटिव होने लगी और मुझे पता चला कि पील ऑफ मास्क से स्किन सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए मैंने इसको लगाना छोड़ दिया था, बट जब मैं शादी में जाती हूँ तब मैं ये पील ऑफ मास्क जरूर लेती हूँ, क्योंकि इससे चेहरे के हल्दी के स्टेन आसानी से निकल जाते हैं। इस तरीके से मैं अपने चेहरे को स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि ये जो एंड है मुझे मिल सके, जहाँ से मैं इसको पुल कर सकूँ, नेक को भी स्ट्रेच किया मैंने और उसके बाद मुझे इसका एंड मिल गया। वेल, अगर आप लोगों ने टेलीविजन एड पे देखा होगा नोरा फतेही को और भी बहुत से एक्ट्रेसेस को जो पील ऑफ मास्क यूज़ करते हुए दिखाते हैं, एंड बिल्कुल एक लेयर में निकल जाता है, तो यार इतना आसान नहीं होता है, खींचो बहुत पेन, बहुत नहीं बट जहाँ पे आपको फेशियल लेयर होंगे ना वहाँ पे पेन होगा, एंड इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में निकलते हैं, मोटी लेयर लगाओ तब ये निकल जाता है, पतला लगा तब तो आपको नोच नोच के निकालना पड़ता है, पतला लेयर में एक लेयर से निकलता ही नहीं है, एंड यहाँ पे बाल आ जाते हैं कान के पास में तो वहां होता है पेन। फिर इसको मैंने फेंक दिया और उसके बाद काफ़ी सारे जगहों पे रह जाता है, ऐसा फेस एकदम क्लीन चमचमाता हुआ नहीं मिलेगा आपको, जाके पानी से धोना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, अब इसके बाद मेरा चेहरा थोड़ा सा चमकने लग गया था। आप लोगों को कैसा लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर में इफेक्ट, आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैंने ये टोनर लगाया, टोनर में मैंने ग्लिसरीन मिला के रखा हुआ है पहले से, क्योंकि मैं इसको स्टूडियो में यूज़ करती हूँ, आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको स्टूडियो में रख दिया ग्लिसरीन मिलाकर। ये मॉइस्चराइजर मैं डेली यूज नहीं करती हूँ बट आज मैंने थोड़ा सा बहुत ज्यादा ड्राइनेस इनवाइट कर लिया है अपने चेहरे पे इतना सारा स्किन केयर करके, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा हाइड्रेटिंग एक्स्ट्रा अल्ट्रा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगा लूँ अपने फेस पे, एंड अब मैं काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ।
स्क्रब करने के बाद पील ऑफ मास्क लगाओ तो थोड़ा ज्यादा खिंचाव होता है स्किन पे, इसलिए हमेशा आप ऐसा मत करो, महीने दो महीने में एक बार आप स्क्रब के बाद पील ऑफ लगाना, अदरवाइज स्क्रब किया है तो पील ऑफ लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरीके से आप भी अपने स्किन और बालों का ख्याल रखते रहिए।